नीट काउंसिल 2023। नमस्कार दोस्तों, नीट मब्स बीडीज का ऑल इंडिया और स्टेट कोटा का काउंसिल शेड्यूल मक्की वेबसाइट पर जारी हो चुका है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप नीट अग में कैसे अपनी सीट ले सकते हैं, आप कब और कैसे नीट काउंसिल में अप्लाई करेंगे, कब सीट मैट्रिक्स आएगा, कितनी फी रजिस्ट्रेशन की है, कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त भी नीट काउंसलिंग के बारे पूरी जानकारी हासिल कर सकें। स्टूडेंट जो जस्ट क्वालिफाई हैं, स्कोर बहुत ही कम है और उनको MBBS की सीटें चाहिए, BDS की सीटें चाहिए, या फिर स्कोर बहुत अच्छा है लेकिन वो उन्हें और अच्छा कॉलेज चाहिए अपने रैंक स्कोर के अकॉर्डिंग, तो आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। इसके लिए पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आपको अभी से लेकर लास्ट तक आपको काउंसलिंग गाइड की जाएगी। काउंसलिंग के लिए कैसे आपको फॉर्म भरने हैं, कैसे आपको चॉइस मेंटेन करने हैं, किस राउंड में आपको सीट मिल सकती है, क्या मैनेजमेंट सीटें मिलेंगी, गवर्नमेंट सीट मिलेंगे, NRI कोटे के सीट मिलेंगे, क्या MCC के साथ साथ स्टेट के काउंसलिंग करना चाहिए, बेनिफिट आपको स्टेट में होगा या फिर MCC के थ्रू हो सकती है, क्या आपको गवर्नमेंट सीट मिल पाएंगे या फिर लो बजट के प्राइवेट कॉलेज किस किस स्टेट में अवेलेबल है, यदि आपका स्कोर बहुत ही कम है तो मैनेजमेंट कोटे से या फिर NRI कोटे से सीट किधर किधर अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ काफ़ी अच्छा नेगोशिएशन भी चलता है लास्ट मोमेंट में, यदि हमारे टीम के टच में रहते हैं तो नेगोशिएटेड पैकेज पर आपको लास्ट मोमेंट में सीटें दी जाती हैं। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, हमारे टच में होना होगा, रहना होगा, तभी हमारे एक्सपर्ट आपके टच में रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, काउंसलिंग शेड्यूल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टोटल हमारे MCC के जो काउंसलिंग कराई जाती है या फिर जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के काउंसलिंग होगी वो 4 राउंड होती है, राउंड 1, राउंड 2, इसके बाद राउंड 3 को बोलते हैं मॉप अप राउंड और राउंड 4 को बोलते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो पहले क्या होता था कि मात्र 3 ही राउंड होते थे ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, वो ऑनलाइन होते थे। इसके बाद जो फोर्थ राउंड होता था, लास्ट राउंड होता था, वो सिर्फ गवर्नमेंट सीट के लिए ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए ऑनलाइन होती थी और बाकी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी थे इसके लिए ऑफलाइन काउंसलिंग कराई जाती थी, यानी कि कॉलेज लेवल काउंसलिंग होते थे। लेकिन इस बार ये रूल चेंज हो चुका है, इस बार आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी जो होगा वो ऑनलाइन ही कराई जाएगी। ऐसे कंडीशन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर बहुत ही कम है, वो अपना डीम्ड यूनिवर्सिटी में सीट को बुक करा रखे हैं, ऐसे कंडीशन में नुकसान हो सकते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि जो अभी बुकिंग कराए हैं यदि आप NRI कोटे के थ्रू जा रहे हैं तो ही आपको चांस है, मैनेजमेंट कोटे से बुकिंग कराने से कोई आपको फ़ायदा नहीं हो सकती है। ऐसे भी बहुत सारे स्टेट हैं जहां रूल चेंज हो सकती है इस साल, कुछ कुछ स्टेट में राउंड 1 राउंड 2 होती थी और मॉप अप राउंड ऑफलाइन कराई जाती थी, हो सकता है कुछ स्टेट में ऑफलाइन की जगह पर ऑनलाइन कराई जाएगी सभी राउंड, कुछ कुछ स्टेट में आपको ऑफलाइन काउंसलिंग कराई जा सकती है, तो स्टेट में आपको बेनिफिट मिलते हुए नज़र आ सकता है। ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं एक बार काउंसलिंग शेड्यूल को। काउंसलिंग करने के लिए यदि आप ऑल इंडिया कोटा 15% से सीट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको MCC का ऑफिशियल साइट पर जाके आप इस काउंसलिंग शेड्यूल को देख सकते हैं या फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग जान सकते हैं कि कैसे काउंसलिंग होगा। सबसे पहले आपको MCC का ऑफिशियल साइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा राउंड 1 के लिए। राउंड 1 का जो डेट रखा गया है आपको उसमें आपको टेंटेटिव जो सीट मैट्रिक्स आएंगे वो 15 जुलाई 2023 को आएंगे और 15 जुलाई से ही आपको रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट करने का फैसिलिटी दी जाएगी, यानी कि राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन 15 जुलाई से स्टार्ट होगा और 23 जुलाई 2023 तक आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और साथ में रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करना होगा और सिक्योरिटी फी डिपॉजिट करना होगा। रजिस्ट्रेशन फी जो होगा ऑल इंडिया कोटा 15% गवर्नमेंट सीट के लिए वो आपको होगा, जनरल स्टूडेंट के लिए यदि आप गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हैं तो आपको जनरल को 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी और 25000 रुपीज सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। वहीं OBC SC ST के लिए जो रजिस्ट्रेशन फी होगा वो 500 रुपीज, सिक्योरिटी डिपॉजिट 10000 रुपीज करना होगा। यदि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट 5000 रुपीज, अगर आप 5000 का रजिस्ट्रेशन अमाउंट आप पे करते हैं तो डीम्ड के साथ साथ आप ऑल इंडिया कोटा 15% और एम्स जिपमर के लिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 5000 का रजिस्ट्रेशन अमाउंट और 2 लाख रुपीज़ का आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है रिफंडेबल होता है। तो यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन फी आपको मैं बता दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट बता दिया, इसके बाद आपको आएगा
सीट मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट के बाद आपको सीट मैट्रिक्स आएंगे। सीट मैट्रिक्स आपको चेक करना है कौन कौन से कॉलेज में कितने सीटें हैं, गवर्नमेंट के लिए देखते हैं तो आपको कैटेगरी में कितने सीटें हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको च्वाइस फिलिंग करना होगा। च्वाइस फिलिंग करने के बाद च्वाइस लॉकिंग करना होगा। यदि आप च्वाइस फिलिंग करने के बाद च्वाइस लॉक करना भूल जाते हैं तो ऑटो लॉक होता है, ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। च्वाइस फिलिंग का जो फैसिलिटी है वो 17 जुलाई से 23 जुलाई तक आपको चलेगा। इसी बीच आपको चॉइस करना होगा, चॉइस लॉक करना होगा। इसके बाद जो आपको प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट है वो 24 to 25 के आपको रिजल्ट आ जाएगा, और जो आपको अलॉटमेंट लेटर आएगा वो 25 से 26 जुलाई तक आपको अलॉटमेंट आएगा। इसके बाद जो जो स्टूडेंट को सीट मिल जाता है राउंड वन में और जो सीट मिला उससे आप संतुष्ट है तो इसका रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग करने का डेट है वो 7 जुलाई 2023 to 1 अगस्त 2023 तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि कॉलेज में आपको जाकर ज्वाइन करना होगा फिजिकली डॉक्यूमेंट ऑल डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डाटा बाय इंस्टीट्यूट्स, शेयरिंग ऑफ डाटा बाय एमसीसी वो है आपको 2 अगस्त 2023। इसके बाद अगर सीटें बच जाती है राउंड वन के बाद अगर सीटें बच जाती है नॉन रिपोर्टिंग और नॉन ज्वाइनिंग, तो इसके लिए जो शेड्यूल दिया गया है वो आपको सीट मैट्रिक्स का, यानी कि राउंड वन के बाद जो सीटें वैकेंट रह जाती है इसके लिए जो सीट मैट्रिक्स जो आपको पब्लिश कर जाएगी की जाएगी एमसीसी के द्वारा, वो 7 अगस्त 2023 को। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, वो आपको 15 अगस्त 2023 से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सॉरी 8 अगस्त 2023 से आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और 5 अगस्त 2023 तक चलेगा। वैसे स्टूडेंट जो राउंड वन में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड टू में कर सकते हैं 8 अगस्त से 15 अगस्त 2023 तक। और इसमें जो आपको सीट मैट्रिक्स आएगा, च्वाइस फिलिंग जो करना होगा वो च्वाइस फिलिंग करने का जो डेट है वो 9 अगस्त से 15 अगस्त तक आपको च्वाइस फिलिंग चलेगा। वैसे अगर बात करते हैं रिजल्ट प्रोसेसिंग का, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट इसका 16 अगस्त से 17 अगस्त तक होगा। रिजल्ट जो फाइनली आएगा वो 18 अगस्त को आपको रिजल्ट अलॉटमेंट आ जाएगा, और कॉलेज रिपोर्ट करने का डेट है वो 19 अगस्त से 25 अगस्त तक आपको रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद स्टार्ट होगा आपको मॉपअप राउंड जो राउंड टू के बाद जो भी सीटें वैकेंट रह जाती हैं नॉन रिपोर्टिंग और नॉन ज्वाइनिंग, तो इसके लिए आपको मॉपअप राउंड कराई जाती है वैकेंट सीटों पे। यानी कि मॉपअप राउंड का जो स्टूडेंट राउंड वन या राउंड टू में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन मॉपअप में कर सकते हैं, या फिर जिन्हें राउंड वन या राउंड टू में सीटें नहीं मिल पाई उन्हें मॉपअप में रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिन्हें राउंड वन में सीट मिली और फ्री एग्जिट ले लिए और राउंड टू में सीट नहीं मिला तो भी आप मॉपअप में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, आप एलिजिबल होंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो स्टूडेंट को राउंड वन में सीट मिला और राउंड टू में अपग्रेडेशन के लिए किए, यानी कि राउंड वन की सीट को ज्वाइन करते हुए सीट को अपग्रेडेशन के लिए लगा दिए और उन्हें सीट अपग्रेड नहीं होता है, ऐसे कंडीशन में आपका जो राउंड वन के सीट था वही सीट आपका फाइनल होगा और मॉपअप राउंड में आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड वन में सीट मिला और उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए राउंड टू में लगाया और उनका सीट अपग्रेड हो चुका है, ऐसे कंडीशन में आप उस सीट को छोड़ के भी आप मॉपअप राउंड में जा सकते हैं। इसके लिए आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट कराना होगा। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड वन में तो सीट नहीं मिला लेकिन राउंड टू में सीट मिल चुका है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप उस सीट को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो भी आप मॉपअप राउंड में जा सकते हैं। इसके लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा और फ्रेश सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। राउंड टू में सीट मिला तो आपको जो पहले का सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट हो जाएगा। तो मॉपअप राउंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन का डेट दिया हुआ है वो 31 अगस्त to 3 सितंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन चलेगा, और च्वाइस फिलिंग च्वाइस लॉकिंग होगा 31 अगस्त से 3 सितंबर तक चलेगा, और प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो होगा वो 4 सितंबर से 5 सितंबर तक, रिजल्ट 6 सितंबर को आ जाएगा। रिपोर्टिंग करना होगा जो अलॉटेड सीट पे वो आपको 7 सितंबर से 12 सितंबर तक। और अगर आप मॉपअप राउंड में सीट लेते हैं, मॉपअप राउंड में किसी भी कंडीशन में सीट अलॉट हो जाती है और आप रिपोर्ट करते हैं कॉलेज ज्वाइन कीजिए अथवा ज्वाइन नहीं करते हैं,
दोनों कंडीशन में आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, ऑल इंडिया के साथ साथ स्टेट के काउंसलिंग से भी आप बाहर हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए काउंसलिंग प्रोसेस को जानना, स्मार्टली करना काफ़ी आवश्यक होता है। अगर आप स्मार्टली काउंसलिंग करते हैं तो आप ना ही काउंसलिंग से बाहर होते हैं और अच्छे सीट भी आपको मिल जाएंगे। अब मॉपअप राउंड के बाद यानी कि थर्ड राउंड के बाद भी अगर सीटें बच जाती है नॉन रिपोर्टिंग और नॉन ज्वाइनिंग सीटें, तो इसके लिए आपको काउंसलिंग जो होगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड यानी कि फोर्थ राउंड, ये भी आपको ऑनलाइन कराई जाएगी सभी सीटों के लिए। ऑल इंडिया कोटा 15%, डीम्ड यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कराई जाएगी। इसके लिए भी आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि राउंड वन, राउंड टू और मॉपअप में ही फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता था, स्ट्रे वैकेंसी में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, लेकिन इस बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और साथ में एक और रूल जो चेंज हुआ है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रे वैकेंसी होता था वो ऑफलाइन होता था, लेकिन इस बार आपको ऑनलाइन कराई जा रही है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो सीट बुक करा चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, अगर विदाउट NRI आपने सीट बुक करा रखा है तो आपको नुकसान हो सकते हैं, तो ध्यान देना होगा। यदि आप NRI मैनेजमेंट कोटे से सीट लेना चाहते हैं तो इसके लिए चाहे तो आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको जस्ट क्वालिफाई ही क्यों ना हो, कैटेगरी से क्वालिफाई है 107 है या फिर 150 है, 200 है, या फिर कैटेगरी से क्वालिफाई है या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई है, दोनों कंडीशन में कॉल कर सकते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन का जो डेट दिया गया है, यानी कि वैसे स्टूडेंट जिन्हें कोई भी सीट नहीं मिला है, वैसे स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी स्टे वैकेंसी में, लेकिन वैसे स्टूडेंट जिन्हें मॉपअप राउंड में सीट मिल चुका है वो स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, या फिर वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड वन में सीट मिला और राउंड टू में अपग्रेड नहीं हुआ तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वैसे स्टूडेंट जिन्हें राउंड टू में सीट मिला और वो फॉरफिट करा के मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके और मॉपअप में भी सीट नहीं मिला तो स्ट्रे वैकेंसी में वो एलिजिबल होंगे, आपको ये ध्यान देना होगा। तो और वैसे स्टूडेंट जो ना ही राउंड वन में रजिस्ट्रेशन कर पाए थे, ना ही राउंड टू में कर पाए थे, ना ही मॉपअप में रजिस्ट्रेशन किए थे, तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्ट्रे वैकेंसी में कर सकते हैं। इसका जो डेट दिया हुआ है 18 सितंबर से 20 सितंबर तक कर सकते हैं। च्वाइस फिलिंग आपको 18 to 20 सितंबर तक चलेगा। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट है वो 21 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा। रिजल्ट आपको 23 सितंबर को आ जाएगा। रिपोर्टिंग का डेट है वो 24 सितंबर से 30 सितंबर तक करना होगा। ये आपका लास्ट राउंड होगा, लास्ट राउंड होगा। अगर इस राउंड के बाद भी सीटें वैकेंट रह जाती हैं तो आपको स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग कराई जा सकती है। तो आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना होगा, काउंसलिंग प्रोसेस को समझना होगा, काउंसलिंग को प्रक्रिया को समझना होगा। इस बार रूल चेंज हो चुके हैं, पिछले साल के रूल पे नहीं जाना है, क्योंकि हर साल काफ़ी सीटें MBBS के साथ साथ PG का भी वैकेंट रह जाती थी। इसलिए न्यू रूल जो है MCC की तरफ से आई है, जिसमें दो चेंजेस देखने को मिला है। पहला चेंजेज है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के स्टे वैकेंसी राउंड ऑनलाइन होंगे, और दूसरा जो चेंजेज है जिसमें कि स्टे वैकेंसी राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, इस बार से आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कराई जाएगी। वैसे पिछले साल भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराई गई थी, क्योंकि काफ़ी सीटें वैकेंट रह गई थी, इसलिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन का फैसिलिटी दी गई थी। और इसीलिए इस साल कंसीडर किया गया इसे कि हर साल सीटें बचती हैं और फ्रेश रजिस्ट्रेशन का फैसिलिटी दिया जाता है, तो क्यों ना हम शुरू से ही स्टे वैकेंसी राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन का फैसिलिटी दिया जाए। ऐसे में क्या होगा कि जो स्टूडेंट स्टे वैकेंसी राउंड में अपने अपने स्टेट में देखते हैं पहले नंबर सीट, स्टेट में नहीं मिल पाता है तो MCC के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएँ और आप सीट को ऑप्ट कर पाएँ। तो ये काफ़ी अच्छा गुड न्यूज़ है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो NEET UG 2023 में MBBS, BDS या फिर BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। बाकी के अलग अलग स्टेट का, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनका काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश कर दी गई है, ऐसे में आप अपने अपने स्टेट का, जिस स्टेट में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसका फॉर्म भरना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।